दूसरे लोगों को नौकरी मिला जो क्वालिफाई नहीं किया था। अदालत में तो ऐसी चीज आया है कि सवालों के घेरे में शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री सभी आए। नहीं, बात तो यह है, इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि पार्थ चटर्जी को इसी से एजुकेशन दफ्तर से हटा दिया गया था। नया शिक्षा मंत्री आया, नया शिक्षा मंत्री ब्रात बसु का कमेंट भी था कि जो पुराना जो चीज़ हुआ है पुराना मंत्री जवाब देंगे, हम नहीं देंगे। तो सवाल तो बहुत दिन से ही उठ रहा था। इसका सही ढंग से मेरा मानना था कि तृणमूल कांग्रेस को इसको टैकल करना चाहिए था। तो आज जो इसके बाद हुआ, तो अभी तो सारे कुछ दिखाई दे रहा है कि पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी इलेक्शन कैंपेन भी किया है, एक मंच पे रहा है बहुत बार, हो सकता है पार्टी। बड़ी बात यह है सर, सिर्फ अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास की बात नहीं है, बल्कि और कई भी ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व थे। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम रविशंकर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। टीवी 9 से बातचीत में अर्पिता मुखर्जी ने सफाई दी है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे, देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर, अभी डाउनलोड करें। और कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये बीजेपी की बड़ी साजिश है। अर्पिता मुखर्जी ने अपनी सफाई में ये बात कही है कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र रचा गया है, और ये षड्यंत्र बीजेपी पर रचे जाने का आरोप लगाया है अर्पिता मुखर्जी ने। हमारे साथ रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रविशंकर, अर्पिता ने जो अपनी सफाई में बातें कही है इस पर तो जानकारी आप जरूर दीजिएगा, साथ ही ये बताइए जो लॉकेट चैटर्जी कहती है कि छोटी मछली है पार्थ चैटर्जी, मगरमच्छ का पकड़ा जाना भी बाकी है, कौन कौन से वो लोग हैं जो कि अब ईडी के निशाने पर है, उन पर भी गाज गिर सकती है इस पूरे घोटाला मामले में? देखिए, नाम तो कहीं बड़े नाम है इसमें, जैसे कि लॉकेट चटर्जी ने बताया, ये सिर्फ पार्थ चटर्जी तक सीमित नहीं है। पार्थ चटर्जी का नाम इसमें बार बार यही आ रहा है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री थे, राज्य के शिक्षा मंत्री थे। 2013 साल से ये घोटाला हो रहा है जिसका छानबीन तभी से होना चाहिए था, लेकिन जिसका सीबीआई ने अब जिसका ऑर्डर हुआ बाद में 2021 साल में, लेकिन उसका पहले कई ऐसे बड़े नाम है जो कि आप तृणमूल कांग्रेस में नहीं है, ऐसा नाम भी है। तो क्या ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस पे सीमित है, इसका सवाल भी उठेगा। अब फिलहाल तो पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास की बात आ रहा है, लेकिन इन लोगों का मोबाइल छानबीन करने के बाद, दस्तावेज छानबीन करने के बाद, सुकांत आचार्य जो कि उनका पार्थ चटर्जी का पीए हैं, इन लोगों का मोबाइल छानबीन करने के बाद क्या सामने आता है ये तो ईडी बताएगा, लेकिन जब तक तुष्टिकरण नहीं हो जाता कौन कौन से नाम है, ऐसा नाम कैमरे के सामने बताना उचित नहीं होगा। लेकिन कई बड़े नाम इसमें है ये भी कहा जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईडी एक जगह छापेमारी करने वाला था जहां 700 करोड़ रुपया रखा हुआ था, लेकिन कहीं बीच में एक फोन आ जाती है और ईडी बीच रास्ते में से वापस आ जाते हैं। ये कौन था, किनके घर में ये जा रहे थे और किनका फोन आया जिसके चलते ये छापेमारी रुक दिया गया और अभी के लिए इसको रखा बंद रखा गया है, ये भी सवाल उठ रहे। तो कहीं ये मतलब जैसे कि लॉकेट चटर्जी कर रहे हैं, 20 करोड़ तो सिर्फ जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इसीलिए ये कहा गया कि ये महज सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर सामने आना बाकी है। लेकिन जो बड़े खुलासे अभी तक इन्वेस्टिगेशन के बाद हो रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। अब किसकी क्या भूमिका है ये इन्वेस्टिगेशन में जानना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है, फिर क्यों नहीं हो रही कमाई, जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर, अभी डाउनलोड करें।